गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम राय वीरेंद्र। मैं क्लास सेवन के मैथमेटिक्स में चैप्टर टू फ्रैक्शन के बारे में जो है आपको जो है पढ़ा रहा था। बच्चों, मैं एक्सरसाइज 2A का जो है एक से लेकर 10 तक के प्रॉब्लम एक से लेकर जो है हमने जो है 10 तक के प्रॉब्लमों को सॉल्व करना आपको सिखाया कि कैसे एक एक करके मैं बता रहा था कि आपको कैसे उसको सॉल्व करना है। अब बच्चों, मैं इस क्लास में जो एक्सरसाइज 2A के जो है क्वेश्चन नंबर 11 से जो है आपको सॉल्व करना बता रहा हूँ। अब बच्चों, यहाँ देखेंगे व्हाट शुड बी एडेड टू 7 होल 3 बाई 5 टू गेट 18, यानी 7 होल 3 में हम क्या जोड़ना चाहिए हमको कि जो 18 प्राप्त हो। तो क्या आप लेट द नंबर बी एक्स, 7 होल 3 बाई 5 प्लस एक्स, अगर ये नंबर एक्स लेंगे तो उसमें हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होल 3 बाई 5 प्लस एक्स हो जाएगा, यानी 18 हो जाएंगे। एक्स इजकल टू 18 माइनस 1 माइनस 7 होल 3 बाई 5, यानी 18 बाई 1 माइनस 38 बाई 5, यानी 19 माइनस 38। या इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ देखेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारा 18 बाई 1 कर देंगे, 18 बाई 1 माइनस जो है 7 होल 3 बाई 5 करेंगे, उस बाद सॉल्व करेंगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे, 7 पर 5 7 5 जो 35 प्लस 3 38 बाई 5 हो जाएंगे, यानी 90 माइनस 38 इजकल टू 50 बाई 5, यानी 10 होल 2 बाई 5 आपका होंगे। तो इसको आप समझ गए कि कैसे मुझे करना है, यह सलूशन आपका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देंगे व्हाट शुड बी एडेड टू 7 होल 4 बाई 15 टू गेट 8 होल 2 बाई 5। हमारे कि इसमें क्या 7 होल 4 बाई 5 में हम क्या जोड़ेंगे कि हमको जो है 8 होल 2 बाई 5 प्राप्त होगा। तो बच्चों, जैसे आप किए हैं सेम उसी तरह यह क्वेश्चन भी सेम होगा। तो ये आपको देखिए, फिर मैं एक बार फिर बता रहा हूँ इसको कि कैसे करना है। अब देखेंगे बच्चों कैसे हो उसको करने के, लेट द नंबर भी एक्स मान लेंगे, 7 होल 4 बाई 5 प्लस एक्स इजकल टू 8 होल 2 बाई 5 आपका होंगे, यानी आपको कितना हो रहे हैं यहाँ करना है। तो एक्स है इधर रहेंगे, प्लस है इधर जाएगा तो आपको माइनस हो जाएगा ना, 8 होल 2 बाई 5 माइनस 7 होल 4 बाई 15 फोर बाई जो है 5 आपको करना है। तो बच्चों, यहाँ हमको क्या करना है, 8 होल 2 बाई 5 माइनस 7 होल 4 बाई 15 हमको करके लिखना है। फिर इसको करेंगे तो कितना होगा, 15 7 जब 105 प्लस 4 करेंगे 109 हो जाएगा, 9 बाई 15 हो जाएगा, यहाँ 8 5 जब 40 और प्लस 2 करेंगे तो कितना, 42 बाई 5। इसको आप कर दें, अब एलसीएम निकाल लीजिए, यानी 42 × 3 करेंगे यहाँ 109। अब इसको जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना होगा, यानी 17 बाई 15, यानी 1 होल 2 बाई 15 हमको इसमें से ऐड करेंगे तो हमारा वो प्राप्त हो जाएंगे। अब बच्चों, यहाँ ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे, ए पीस ऑफ वायर ये 3 होल 3 बाई 4 मीटर लॉन्ग है, ब्रोकन इंटू 2 पीस, यह 2 पीस में टूट गया है, 1 पीस इज 1 होल 1 बाई 2 मीटर, इसका 1 पीस के लंबाई जो है 1 होल 1 बाई 2 मीटर लॉन्ग है, हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस, दूसरा पीस कितना लंबा होगा, यानी लेंथ ऑफ द अदर पीस इज कल टू हमारा क्या हो जाएंगे, 3 होल 3 बाई 4 माइनस 1 होल 1 बाई 2 करेंगे, इसको 15 बाई 4 माइनस करेंगे 3 बाई 2, फिर इसको जब तो हल सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना होगा, 3 बाई 4 हो जाएंगे। तो बच्चों, इसको समझ गए कि कैसे हमको करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बच्चों, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हम देखेंगे, ए फिल्म शो, ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर जो है 14 है आपका है, ये कितना है 14 नंबर देखेंगे, ए फिल्म शो कास्टेड फॉर 3 होल 2 बाई आवर्स, उसको बनाया कितना गया है, 3 होल 2 बाई 3 आवर्स गया, आउट ऑफ दिस टाइम 1 होल 1 बाई 2 आवर्स वाज स्पेंट ऑन द एडवर्टाइजमेंट, इसका जो है इतने टाइम में से 1 होल 1 बाई 2 आवर्स जो किस में है आपका जो है एडवर्टाइजमेंट में खर्च होता है, व्हाट वाज द एक्चुअल ऑफ द फिल्म, यानी फिल्म का हमारा एक्चुअल टाइम क्या है, द एक्चुअल ऑफ द फिल्म वाज, यहाँ क्या करेंगे 3 होल 2 बाई 3 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 होल 1 बाई 2 आवर्स को, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाई 3 और 3 बाई 2 हो जाएंगे, इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा,
हो जाएगा 22 माइनस 9 बाई 6 यानी 13 बाई 6 आवर आपका हो जाएंगे, यानी 2 होल 1 बाई 6 आवर जो है का यह एक्चुअल में फिल्म आपका है। अब बच्चों यहाँ क्वेश्चन नंबर 50 में देंगे, यहाँ ध्यान देने के लिए बात है, ऑफ दिया है, ऑफ 2/3 एंड 5/9 मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी भी चीज़ का जो 2/3 एंड 5/9 है वह जो है विच इज ग्रेट, इनमें से कौन सा अधिक होगा कौन कम होगा एंड हाउ मच वह कितना कम है। तो इसको निकालने के लिए मान लीजिए कोई नंबर्स ले लेते सब्जेक्ट, मान लीजिए कोई नंबर एक से उसका अगर एक्स ऑफ 2/3 निकालेंगे तो कितना होगा 2x/3 होगा, और एक्स ऑफ 5/9 करेंगे तो कितना होगा 5/x, ये दोनों हमारा पार्ट्स निकल। अब हमको देखना है कि दोनों में से कौन अधिक है, कौन इसमें से कौन अधिक है और कौन कम है, इसको जो ध्यान में देखेंगे कि कैसे हम इसको करना है। तो बच्चों अब इसको हम करके आपको देखते हैं, यहाँ एक अननोन हमने एक्स लिख दिया है या एक्स दिया है, आप इसके स्थान पर वन भी लिख सकते थे, इसमें वन भी अगर लिखेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि वन इन 2/3 और 5/9 हमको ओनली एक्स एक जो है रखा गया है कि कोई एक वस्तु है, यानी नाम समझ लीजिए कि यह एक वस्तु है, वस्तु का 2/3 पार्ट कितना होता है 2x/3, यहाँ ऑब्जेक्ट एक्स है उसका 5/9 पार्ट्स हमारे कितना होता है 5/x, अभी दोनों में बड़ा कौन है। अब बच्चों यहाँ देखें 2x/3 और 5x/9 है, ये दोनों 3 और इसका एलसीएम कितना हो 9 होंगे, इसको अगर करेंगे नीचे डिनोमिनेटर 9 लाने के लिए हमको क्या करना हो 3 से मल्टीप्लाई 6x/9 एक दूसरा दिया 5x/9, अभी देख रहे हैं कि नीचे डिनोमिनेटर 1 हो गया तो कौन बड़ा होगा 6x/9 आपका ग्रेटर है, यानी कहने का 2x/3 इज ग्रेटर देन 5x/9, आपको ये मालूम हो गया कौन हमारा बड़ा हो गया, यानी 2/3 आपका बड़ा हो गया। अब कितना बाय हाउ मच तो कितना होगा, इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, यानी x/9 आपका जो है पार्ट जो है अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो x/9 पार्ट जो है वस्तु का जो है आपका बड़ा होगा, यानी 1/9 इज मोर, यानी कहने का 1/9 पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मोर आपका हो। तो बच्चों इसको समझ गए, अब बच्चों इसमें जो इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 16 है जो आप उसको खुद करके रखेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्लास में जो है आपका यह चैप्टर जो है एडिशन का आपको ख़त्म हो गया था फिर है, अब आपको जो है नेक्स्ट क्लास में मैं जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में जो है मैं पढ़ाऊँगा। तो बच्चों इसको समझ गए हों कि हमको क्या करना है, यानी फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं और विभिन्न प्रॉपर्टीजों से उससे संबंधित प्रॉपर्टीज को मैं बताऊंगा। ओके थैंक्स।